स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट क्या, मैं आप देख रहे हैं टेक एंड गाइस। साथ में मेरे दिख रहा होगा सैमसंग की टीवी है, क्यूलेट टीवी है, Q60C मॉडल है, 2023-24 की न्यू लाइनअप है सैमसंग की। ये आपको क्वांटम डस्ट टेक्नोलॉजी में बेसन बनी रहती है, माइक्रो ग्रीविंग टेक्नोलॉजी बेसन बनी है। इसके बाद में आपको सोनी की टीवी 82L है, हालांकि सेम इसके पैरेलल टीवी नहीं आती, एक वर्जन नीचे आप समझ सकते हैं, इसके नीचे की वर्जन है, तो ये बराबरी का कंपेयर भी नहीं है, एक वर्जन नीचे है। बट 82L गूगल टीवी के साथ आता है, सैमसंग आपको टाइजन के साथ आता है, तो दोनों के अंदर में बहुत जबरदस्त मुकाबला हम कंपेयर करने वाले हैं। आप मेरे साथ वीडियो रहे, बने रहिए। आपको कौन सी टीवी आपको जानी चाहिए, बहुत कंफ्यूजन होता है जब मार्केट में जाते हैं। दोनों प्रीमियर कैटेगरी की टीवी है, तो आप जब परचेस करने जाते हैं तो सोनी की जो प्राइसिंग है हायर बजट के, कई बार ऐसा होता है जो आप वर्जन XY सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन रहता है और क्या सोनी के अंदर में ताकत है कि नहीं है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली है। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आपको लेफ्ट साइड में सैमसंग Q60C मॉडल है जो 23-24 में आपको बिकने वाली है। इसमें वाइड रेंज आपको 43, 50, 55, 65, 75, 85, काफी लंबी रेंज आती है। आपको राइट हैंड में सोनी की 82L मॉडल है जिसके अंदर में आपको 55 एंड 65 एंड 75 ये तीन मॉडल में ही आता है। तो अपन कंपेयर करने वाले हैं। क्यूलेट टीवी जो है आपको क्वांटम डॉट बेस्ड बनी हुई टीवी है, हालांकि जो 82L सोनी की टीवी है वो डायरेक्ट LED टीवी है, DLED टीवी के नाम से आती है। सैमसंग के अंदर क्वांटम प्रोसेसर 4K के साथ आता है, जहां पे आपको उसके जगह पे सोनी के अंदर में X1 SDR प्रोसेसर के साथ में आता है। गाइस, सैमसंग टीवी के अंदर में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम और स्मार्ट कॉन्फिगरेशन में 16GB स्टोरेज के साथ आती है। सोनी वाली टीवी में आपको गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सोनी का ओन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, गूगल टीवी के साथ आता है। 32GB आपको स्टोरेज मिल जाता है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, जो सैमसंग के अंदर में आपको अलेक्सा यूज करते हैं उसके कंपेयर में, जो आपको गूगल असिस्टेंट का ही पार्ट है, गूगल असिस्टेंट के थ्रू वर्क करता है गाइस, तो थर्ड पार्टी यूज हो जाता है। इसके अलावा जो आपको वीडियो फॉर्मेट है वो HDR10 आपको मिल जाता है सैमसंग के अंदर में, एडेप्टिव मोड आपको साथ में HLG मिल जाती है, सुपर HUSD डिमिंग टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें स्पेशली आपको फिल्म मोड मिलता है, जो पिक्चर मोड होती है जो सिनेमा डायरेक्टर बनाते हैं, वैसी वाली मोड आपको मिल जाती है इसके अंदर में, जो आपको 413 निट्स आपको ब्राइटनेस मिल जाती है। और बाजू में आपको सोनी की जो टीवी है उसके अंदर में भी आपको HDR10 HLG के साथ में मिलता है। सबसे बड़ी चीज है इसमें डॉल्बी विजन आपको मिलता है, जो आपको सैमसंग में मिसिंग हो जाता है। डॉल्बी विजन एक सर्टिफिकेशन है जो आपको इस तरह की जो वीडियो बनती है वो डॉल्बी विजन कंटेंट फॉर्मेट प्ले करने की कैपेसिटी बनती है, जो आपको सैमसंग में नहीं मिलता है। और इसके अंदर विविड मोड मिलता है, यहाँ आपको डायनेमिक मोड है जो इनका सुपर मोड है। गाइस, ऑडियो के अंदर में भी जो आपको सैमसंग के अंदर मिलता है 20W का RMS आपको स्पीकर मिल जाता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड आपको ट्रैकिंग सिस्टम मिलता है, जो आपको जैसे साउंड जहां से लगेगा, जहां से वोकल है वहां से साउंड निकल रही है, तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अनुसार आपको साउंड मिलता है। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी सैमसंग की बेहतर है, जो Q-Symphony टेक्नोलॉजी है, जो आप स्पीकर बार स्पीकर जब ऐड करते हैं तो जो टीवी की साउंड है और जो बार है दोनों कॉम्बिनेशन मिल के साउंड मिलता है, तो काफ़ी स्पीकर के वजह से साउंड आपको काफ़ी मज़ा आता है। उसके जगह पे सोनी के अंदर में आपको 20 RMS का स्पीकर मिलता है। इसके अलावा दो साउंड पोजिशनिंग ट्यूटर मिलता है 5-5W का, तो 30W स्पीकर आपको मिल जाती है, और दोनों साउंड पोजिशनिंग ट्यूटर जो इसके वजह से आपको साउंड का जो वोकल है वो जहां से साउंड निकल रहा है वहां से पिक्चर आपको साउंड पोजिशनिंग करके निकालता है, तो काफ़ी यूनिक फीचर इसके वजह से नज़र आता है। इसके अलावा जो डॉल्बी विजन एटमॉस इसमें मिलता है, जो आपको सैमसंग की टीवी में मिसिंग हो जाती है गाइस। इसके अलावा HDMI दोनों के अंदर में तीन पोर्ट मिल जाती है, जो ERC पोर्ट दोनों में सपोर्टेड हो जाती है। सैमसंग में एक चीज और एक्स्ट्रा मिलता है गाइस, दो वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं, मोबाइल या लैपटॉप जब कनेक्ट करते हैं तो आप साइड में वर्क भी कर सकते हैं और उसके साथ में वीडियो भी देख सकते हैं। जो चीज़ें सोनी के अंदर में आपको उसके जगह पे ब्रेविया कोर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें IMAX मूवी देख सकते हैं। तो बेसिकली टीवी तो आपको टीवी देखने के लिए देखते हैं, पिक्चर देखने के लिए देते हैं, तो इसमें ब्रेविया कोर
आपको जो टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है IMX, उसके वजह से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है टीवी। सुखेश एक बार डिजाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। एयर स्लिम टेक्नोलॉजी के साथ सैमसंग आपको बताता है जो एयर स्लिम के साथ में है, लेकिन वहीं पे आपको सोनी का फ्लैशिंग ब्लेजर है जो एकदम फ्लैश हो जाता है, जो आपको दिखता ही नहीं है। तो इसमें भी आपको सोनी आपको सुपीरियर दिखता है काफी, उसकी जो फ्लैशिंग ब्लेजर है वो इससे बेटर दिखता है एयर स्लिम के जगह पे। सुखेश एक बार स्टैंड पे बात कर लेते हैं, जो आपको सोनी की जो आपको स्टैंड दिखते हो वो एक तो प्लास्टिक की बॉडी के सेट में दिखता है, हालांकि इसके साथ मैच करता है चीज़ें, लेकिन ये प्लास्टिक पे सेटेड किया हुआ है और इसकी जो स्नीक है वो स्लीकनेस दिखती है, लेकिन उसकी की जगह पे हेक्सागॉन के साथ में डिज़ाइन है इसकी सोनी की, जो स्पेशल आपको मेटल बेस में दिखता है, ऊपर में कार्बन फाइबर लगा हुआ है, सो काफ़ी सॉलिड दिखता है ये चीज़ें। हालांकि नीचे सैमसंग की जो थिकनेस वो काफ़ी पतली है, उसके जगह सोनी की जो थिकनेस वो मोटी दिखती है, यहाँ पे वो सोनी थोड़ी कम दिखती है, लेकिन मजबूती के जगह पे सोनी आपको ज़्यादा बेटर दिखता है। गाइस सोनी के अंदर में हैंड फ्री में आपको सामने से ओके गूगल बोलना पड़ता है, उसी की जगह पे आपको सैमसंग में एलेक्सा बोल के आप कॉल करेंगे जो हैंड फ्री यूज होता है, तो दोनों के अंदर में खाली वो नाम का अंतर है, बाकी दोनों की टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर आपको सेम मिलता है। तो गाइस अब सीधी बात करने वाले हैं, घुमा फिरा की इधर उधर की बात करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो चीजें सामने आंख से दिखती है वही सच्चाई है, उसके अलावा जो ऑडियो आपको सुनाई देने वाला है वो कंपेयर अपन सीधी सीधी करने वाले हैं। बहुत सारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी जान के होना क्या है, जो सामने दिखता है वो सच्चाई है, वही सच होने वाला है। तो दोनों डायनेमिक मोड में गाइस रखे हैं, आपको सैमसंग डायनेमिक मोड में, इसका विविड मोड है, दोनों का सुपर मोड है, इससे ऊपर ब्राइटनेस नहीं होती, इससे उनकी अच्छी पिक्चर नहीं दिखती है, जो इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी दिखाने वाली मोड है वो उस मोड पे अपन दोनों टीवी को रखे हैं। सो दोनों का कोई छेड़छाड़ नहीं करते, दोनों के अंदर एक वीडियो ऑन करते हैं पहले। सुखेश जी एक सामने वीडियो आपको प्ले किए हैं जो आपको कंटेन ही अपने आप में सब कुछ आपको दिखने वाला है, बिकॉज जो कैमरा है उसमें सारी चीज आपको सामने से दिखने वाली है, जो ब्राइटनेस आपको फेस पे दिख रहा है, जो सैमसंग में दिख रहा है, जिसके जो फेमस है आपको ट्रू ब्लैक एंड बाकी जो माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी है उससे कहीं बेटर डी टेक्नोलॉजी जो सोनी की दिख रही है। ये प्रोसेसर जो सोनी का है वो स्पेशल है, जिसके वजह से सारी टेक्नोलॉजी धोए के धोई रह जाने वाली है, जो आपको सामने पिक्चर निकल के आ रही है। हालांकि DLED टीवी है, सामने QLED टीवी है सैमसंग के अंदर, फिर भी कोई कंपैरिजन नहीं है बॉस, सोनी अपने आप में प्रकाष्ठा है, सिर है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता दोनों टीवी के बीच में। आपके सामने जो पिक्चर है सब कुछ बोल रहा है सामने से, तो काफी शानदार ढंग से चीजें क्लियरिटी के साथ है, ब्राइटनेस बहुत ही कम नजर आ रही है सैमसंग में, यहाँ पे सामने कंपेयर करने पे चीजें सामने आपको आंखों से दिखती है चीजें, और अपने आपको समझ में आ गया होगा कौन सा बेटर टीवी होती है। सो गाइस ये डॉल्बी विजन एक कंटेंट आपको प्ले किए हैं, जहां दोनों टीवी, हालांकि सोनी की जो टीवी है डॉल्बी विजन कंटेंट प्ले करने के लिए सर्टिफिकेट है, डॉल्बी विजन टीवी है स्पेशली, तो यहां आपको डॉल्बी विजन दोनों टीवी में चल रही है, दोनों में कॉन्फिगर, लेकिन आपको जो डिफरेंसेस है रियल डॉल्बी विजन होने की वजह से क्या डिफरेंसेस दिखता है टीवी के अंदर वो आपको कैमरे में दिख रहा होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको रियल जो पिक्चर है, जो जेन्युइन पिक्चर दिखनी चाहिए, वो आपको सोनी की टीवी में दिखता है, सैमसंग दूर दूर तक आपको नहीं दिखता, हालांकि यहां आपको कंपेयर हो रहा है, फिर भी जो ब्राइटनेस और जो दोनों की कंट्रास्ट का रेशियो है वो आपको बेटर दिखता है सोनी के अंदर में, एनी टाइम बेटर है गाइस, जब कंपेयर आप सामने से करते हैं। बहुत सारे शोरूम में चीज़ों को ट्यून कर देता है जो सेल्स गाइड होता है, जिसके वजह से जेन्युइन कंपेयर आप नहीं कर पाते हैं, जैसे आपको अब दिख रहा होगा ब्राइटनेस आपको काफ़ी शानदार दिखता है इसके अंदर में, और सैमसंग की टीवी में हालांकि बुरा नहीं है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो नहीं दिखता है उसके अंदर में, कहीं कहीं चीज़ें मिसिंग है, कहीं वो बेटर दिखता है सोनी, यहाँ डार्क आपको ज़्यादा बेटर दिखता है सैमसंग में, लेकिन ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो सोनी बेस्ट है बॉस, कोई कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि ये सोनी जो सैमसंग है क्यूलेट टेक्नोलॉजी से अपन नॉर्मल DLED कंपेयर कर रहे हैं, अगर मैं सोनी का फुल एरे कंपेयर करता तो कोई दूर दूर तक कोई कंपेरिजन ही नहीं हो सकता है सोनी से के साथ में। सो गाइस एक ब्राइट आपको व्हाइट पिक्चर भी दिख रही है सामने, यहाँ का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा, और डार्क एंड ब्लैक एंड आपको ब्राइट का कॉम्बिनेशन इसमें समझ में आ जाएगा दोनों टीवियों के अंदर में। इन चीज को देख के पिक्चर देख के गाइस बहुत कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो पिक्चर आपको सामने दिख रहा है ये बहुत सारी चीजें आपको सामने से बोल रही होगी, कौन बेटर है कौन अच्छा कौन नहीं है। आपके सामने टू पिक्चर है गाइस, ये टू कंपेयर है, इसमें कोई छेड़छाड़ की हुई नहीं है, आपको इस बात को बार बार मैं बोलना चाहूंगा, कोई मुझे पैसा नहीं दिया दो कंपेयर करने के लिए, मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपनी इंटरेस्ट में ये चीजों को दिखा रहा हूँ।
काफी शानदार पिक्चर निकल के आती है सोनी की। ये इसके प्रोसेसर का ही कमाल है, हालांकि सोनी ना पैनल बनाता है ना बाकी चीजें इन्वॉल्व होती है, मेजर भी वो जो पिक्चर टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वर्क करता है, और उसके वजह से सोनी की जो टीवी होती है ज्यादा बेटर दिखती है कंपेयर किसी भी ब्रांड से कंपेयर करेंगे। सो गाइज एक ऑडियो प्ले करते हैं दोनों के अंदर में नॉन कॉपीराइट, आपको सामने ऑडियो सुन के दोनों का कंपेयर होने वाला है। मैं तो समझ चुका हूँ कौन सा, लेकिन आपको भी समझ में आ जाने वाली है कौन सा बेटर है। दोनों को 50% साउंड रखा हूँ मैं, एक बार वॉल्यूम बैक चेक करा लेना। हाँ प्ले करो यार। सो गाइस इस 55 पे आपको सैमसंग का साउंड चेक कर लिया हूं मैं, अब सोनी का साउंड प्ले करते हैं आपको 55 के आसपास में रख के। गाइस कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑडियो से क्लियर समझ में आएंगे कौन बेटर है, कितनी साउंड किसके अंदर में है। लेकिन एक बार आपको इतनी है कि 100% आपको वॉल्यूम बढ़ा के सैमसंग चेक कराते हैं आपको कितनी आवाज आती है। ये 100% मैं वॉल्यूम आ था, फिर भी अब मैं 55 में ही आपको सोनी सुना के चेक कराता हूं। सो गाइस ये 55 में उसके 100 से दुगना चार गुना आपको साउंड मिलता है। सो ऑडियो में कोई कंपैरिजन नहीं है, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो सामने एक आपको इंडियन ट्रेडिशनल सॉन्ग है आपको सामने दिख रहा होगा, तो उसमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो पिक्चर क्वालिटी है आपको एक इंडियन फेस कैसा दिखता है और क्या आप ढूंढते हैं, कलर कंटेंट कैसा आप देखना चाहते हैं, वो आपको सामने पिक्चर दिख रही है, वो सारी चीज आपको समझ में आने वाली है। भाई दोनों पिक्चर देखने के बाद कोई कंपैरिजन करने की जगह आपको नहीं मिलेगी, आपको सामने चीजें सब ट्रूली दिखती है कि कौन बेटर है कौन नहीं है। ये बोलने की भी मुझे जरूरत नहीं है, आप पिक्चर देख के मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कौन सा आपको बेटर दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है बॉस, बताने की भी जरूरत नहीं है। तो चलते हैं इससे भी एक लोअर मॉडल आपको वीडियो चेक कराते हैं, जो सोनी की इससे भी लोअर मॉडल आती है 65 की 75L आती है उस वीडियो से, और तीनों में एक ही वीडियो चलाते हैं और एक बार कंपेयर करते हैं कि उसके बराबर। इस तरह का कंपेयर वीडियो आप नहीं देखे होंगे मेरे उम्मीद है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है। आपको तीनों ही 65 इंच की टीवी है, क्यूलिट टीवी है आपको सैमसंग Q60C 2024 का जो वर्जन है वो बिकने वाला है। तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे पहली जो टीवी दिख रही है वो सैमसंग की टीवी है, बीच में 82L है, और गाइज इस साइड में आपको 75L है। मैं जस्ट कंपेयर करने के लिए इसको भी कंपेयर किया हूं, तो आपको सामने से नंगी आपको सबको क्लियर दिख रहा होगा कौन सा किस में कैसा वीडियो दिखने वाला है। इनफैक्ट मुझे तो लगता नहीं है 75L सोनी के भी कंपेयर करने लायक क्यूलेट टीवी है। लोग क्यूलेट क्यूलेट बोलते हैं, केवल ये जो सेल्स की गाय है वो सब चीजें बकवास करके लोग के दिमाग में भर देते हैं, जिसके वजह से रियल पिक्चर देखना भूल जाते हैं। क्योंकि कंपेयर तो आपको ऐसे ही करना होगा, जो पिक्चर देखे जाते हैं टीवी परचेस करते हैं तो सामने से ही इस तरह की पिक्चर कंपेयर करेंगे, तो आपको ट्रू चीजें समझ में आने वाली है कौन सा बेटर टीवी है। ऐसे सोनी के अंदर में आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता, बिकॉज चीजें उसमें भरी रहती हैं, जिसके वजह से वो बेटर दिखा पाती है पिक्चर। सो गाइस आपको बहुत सारी अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको सैमसंग के अंदर में डबल वीडियो दिखाने की